दोस्तों अगर आपका सेवा योजन पोर्टल पर पंजीकरण है, सेवा योजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन है, तो अब आपको आधार प्रमाणीकरण करना ज़रूरी है। सभी को यहाँ पर आधार प्रमाणीकरण करना ज़रूरी है, अपने प्रोफाइल से आधार कार्ड को लिंक करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों को जो ना प्रॉब्लम आ रही है OTP को लेकर के, जैसे ही वो आधार प्रमाणीकरण कर रहे हैं तो यहाँ पर उनके मोबाइल पर OTP रिसीव नहीं हो रहा है। तो कैसे सुन आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे सुन आप OTP को प्राप्त करेंगे, आगे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ऐसे ही वीडियो की जानकारी पाने के लिए। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना है, sevayojan.up.nic.in। इसके बाद आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। यहाँ पर यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और सबमिट करना है। सबमिट बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ चुका है, योर प्रोफाइल इज नॉट आधार ऑथेंटिकेट, यू आर बीइंग फॉरवर्डेड टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पर देखिए दिया वेरीफाई आधार, इस वाले ऑप्शन पर आपको जो ना क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ना यहाँ पर आपको आधार कार्ड लिंक करने का दिया हुआ है, आधार वेरिफिकेशन यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जो आपके सेवा योजन पोर्टल से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर जो मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। मोबाइल नंबर फिल करके OTP सेंड कर दिया है, लेकिन यहाँ पर आपके मोबाइल पर OTP नहीं आएगा, आपके मोबाइल पर यहाँ पर OTP मैसेज नहीं आएगा। आपको क्या करना है, आपको जो ना अपनी ईमेल आईडी चेक करनी है, जो आपके सेवा जो पोर्टल से रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वह जो ना आपको चेक करनी है, उसी पर OTP आएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए मेल जो ना आ चुका है, यहाँ पर देखिए मेल जो ना आ गया है, इसी में जो यहाँ पर देखिए OTP जो ना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 5 अंकों का जो ना OTP यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी को जो ना आपको फिल करना है, मेल आपको चेक करना है, मोबाइल पर नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर OTP फिल करना है, उसके बाद सबमिट करना है। तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर देखिए डिटेल जो ना अनलॉक हो चुकी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, आधार कार्ड के हिसाब से आपको स्पेलिंग यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद आधार कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर जो आपको सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद इस चेक बॉक्स को यहाँ पर आपको चेक करना है, कैप्चा जो है यहाँ पर आपको फिल करना है और वेरीफाई आधार वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल यहाँ पर जो ना मैसेज आ गया, योर डाटा हैज़ बीन ऑथेंटिकेटेड बाय UID, प्लीज़ लॉगिन। तो ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से उन्होंने लॉगिन करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा से लॉगिन होता है या नहीं। यहाँ पर देखिए लॉगिन जो ना हो चुका है, आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ आपका प्रोफाइल अनलॉक कर दिया गया है, अतः एक बार अपनी समस्त प्रविष्टियाँ भलीभांति चेक कर लें, यदि कोई परिवर्तन किया जाना है तो कर लें, भविष्य में आप द्वारा केवल शैक्षिक योग्यता कार अनुभव व कौशल को ही अद्यतन किया जा सकेगा। तो कोई भी परिवर्तन है तो आप जो ना परिवर्तन कर लें। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट जो ना हो चुका है, पूरा प्रोसेस यहाँ पर हो चुका है। प्रोफाइल संशोधन का यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो ना आ रहा है, अगर कोई प्रोफाइल वगैरह संशोधन करनी है तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये जानकारी जो ना पसंद आई होगी। थैंक यू वॉचिंग, बाय, टेक।